2024 के चुनाव को हारेगी भाजपा, बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। जदयू से आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां तीन चरणों का चुनाव हो चुका है उसमें बीजेपी के खिलाफ जनता ने जबरदस्त मतदान किया है, तो दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल भी जेल से ऐन वक्त पर छूट पड़े हैं। वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से छूटते ही बीजेपी पर हमला बोला और मोदी सरकार को एक तानाशाही सरकार बताया और दिल्ली की जनता से बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील की। वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के जेल से छूटते ही बीजेपी की मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि चौथे चरण का मतदान अभी बाकी है। चौथे चरण के मतदान में बीजेपी बुरी तरीके से अपनी हार को स्वीकार कर सकती है। एक तरफ राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के तहत देश की सभी पार्टियों से गठबंधन करे हुए हैं और सभी पार्टियां मिलकर कांग्रेस का साथ इस लोकसभा चुनाव में दे रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के साथ जो पिछले चुनाव में पार्टियां थीं, वो पार्टियां भी बीजेपी से अलग हो गई हैं और अलग होकर चुनाव लड़ रही हैं, जो बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर रही हैं। वहीं दोस्तों बात करें तो दिल्ली के लोकसभा चुनाव की जो अभी सर्वे आई है, उस सर्वे के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ रही है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, 7 में से बीजेपी मात्र 1 लोकसभा सीट जीत सकती है और 6 की 6 लोकसभा सीटें बीजेपी हार रही है। वहीं आपको बता दें कि जब अरविंद केजरीवाल जेल नहीं गए थे तब दिल्ली की जनता लगभग 4 सीटें बीजेपी को जिताने पर आमद थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जब से जेल भेजा गया है उसके बाद दिल्ली की जनता मोदी सरकार से खासी नाराज बताई जा रही है और खामियाजा बीजेपी को ये उठाना पड़ेगा कि जो 4 सीटें बीजेपी जीत रही थी उनमें से अब मात्र 1 सीट जीत पाएगी, यानी जो 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को दिल्ली की जनता जिता रही है। कुल मिलाकर दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 में से मात्र 1 सीटें ही बीजेपी जीत रही है और 6 सीटें कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के जेल से छूटने के बाद अब राहुल गांधी ने दिल्ली में केजरीवाल के साथ रोड शो करने का प्लान बनाया है, यानी अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ राहुल गांधी अब दिल्ली में वोट मांगेंगे और बीजेपी को देश से उखाड़ फेंकने की बात कहेंगे। वहीं पंजाब की बात करें दोस्तों, तो पंजाब में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है। पंजाब में 1 भी सीट बीजेपी नहीं जीत रही है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और दोनों ही पार्टियां मिलकर वहां पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में चुनाव प्रचार करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब जाएंगे। पंजाब में भी राहुल गांधी के साथ वो रोड शो करेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। धर्म के नाम पर बीजेपी वोट मांगकर देश की जनता को कन्वर्ट करती थी, वांटती थी और जीत जाती थी, लेकिन इस बार बीजेपी के धर्म पर वोट मांगने का धंधा नहीं चलता हुआ दिख रहा है। जनता ने 3 चरणों में अब तक बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर वोट किया है, धर्म के आधार पर 1 वोट भी नहीं डाला है। इससे बीजेपी की चिंता और बढ़ गई है। वही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 82 लोकसभा सीटें हैं, 82 में से भाजपा को 25 से 26 सीटें मिल सकती हैं। बाकी सारी की सारी सीटें समाजवादी पार्टी, जो इंडिया गठबंधन में शामिल है, वो जीत रही है और भाजपा उत्तर प्रदेश से भी बुरी तरीके से हार रही है। भाजपा को उम्मीद थी कि उसने राम मंदिर बनवाया है और राम मंदिर का लोकसभा चुनाव से पहले उद्घाटन किया है तो उसको उसका जरूर फायदा मिलेगा, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का कहीं पर जिक्र भी नहीं आया। गोदी मीडिया ने भी राम मंदिर का मुद्दा नहीं चलाया और बीजेपी के खिलाफ पलटी मार दी है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो हिंदू आबादी वाली जनसंख्या है वो भी अब बीजेपी के खिलाफ वोट कर रही है। वो खुलकर बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा उछाल रही है और जमकर बीजेपी के विरोध में वोट कर रही है, क्योंकि आपको बता दें कि राहुल गांधी ने केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद सरकारी नौकरी देने के साथ साथ किसानों की कर्ज माफी, महंगाई कम करने के साथ साथ महिलाओं को बड़ी रकम देने की बात कही है। राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि बीजेपी ने 27 अरबपति खरबपति बनाए हैं, लेकिन हम करोड़ों लखपति बनाएंगे, यानी लाखों लोग को लाखों रुपये देंगे। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी के इसी बयान के बाद देश का यूथ अब कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हो गया है और वो जमकर इंडिया गठबंधन की तारीफ कर रहा है और कांग्रेस के समर्थन में वोट डाल रहा है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ बीजेपी का जो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव था वो भी इस बार काम नहीं आया। बीजेपी हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव को सेट करने में भी फेल रही और इस बार मुंह की खानी बीजेपी को पड़ रही है। वहीं दोस्तों 543 लोकसभा सीटों की बात करें तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं, 39 में से भाजपा को 1 भी सीट तमिलनाडु में भी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तमिलनाडु में भी बीजेपी का
सूपड़ा साफ हो रहा है। वहीं केरल की बात करें दोस्तों, तो केरल में भी बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। केरल में भी भाजपा का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि केरल में बीजेपी ने अपने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को भले ही भेज रखा हो, वो भी राम मंदिर की पूजा करते हैं, कभी किसी मंदिर में जाकर तिलक लगवाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन उनका भी जनता विरोध कर रही है और उनके कहने पर भी केरल में बीजेपी को कोई वोट देने वाला है नहीं। तेलंगाना की बात करें दोस्तों, तो तेलंगाना में भी बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ ओवैसी की पार्टी AIMM 2 सीटें जीत सकती है और बाकी सीटें जो है कांग्रेस पार्टी और VRS जीत सकती है, यानी इनकी अच्छी पकड़ है। वहीं दोस्तों बिहार की बात करें तो बिहार में ओवैसी की पार्टी लगभग 4 से 5 सीटें लोकसभा की जीत सकती है और बिहार में इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है, यानी नीतीश कुमार और जो बीजेपी है उसके गठबंधन को लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफा कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। गोदी मीडिया भी पलटी मार रही है और वो भी इंडिया गठबंधन की अब तारीफ कर रही है। राहुल गांधी ने कल ही कहा था कि मैं लिख कर दे रहा हूँ कि बीजेपी 120 से 150 के बीच में ही सिमट जाएगी और 400 की तो बात ही छोड़ दीजिएगा। तो राहुल गांधी ने भी ये बड़े बड़े दावे किए हैं। राहुल गांधी के इन दावों के बाद भाजपा में भी खलबली मची हुई है। दोस्तों आपकी क्या राय इस खबर में हमें कमेंट में जरूर बताएं। 2024 के चुनाव को हारेगी भाजपा, बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। जय दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां 3 चरणों का चुनाव हो चुका है उसमें बीजेपी के खिलाफ जनता ने जबरदस्त मतदान किया है, तो दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल भी जेल से ऐन वक्त पर छूट पड़े हैं। वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से छूटते ही बीजेपी पर हमला बोला और मोदी सरकार को एक तानाशाही सरकार बताया और दिल्ली की जनता से बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील की। वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के जेल से छूटते ही बीजेपी की मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि चौथे चरण का मतदान अभी बाकी है। चौथे चरण के मतदान में बीजेपी बुरी तरीके से अपनी हार को स्वीकार कर सकती है। एक तरफ राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के तहत देश की सभी पार्टियों से गठबंधन करे हुए हैं और सभी पार्टियां मिलकर कांग्रेस का साथ इस लोकसभा चुनाव में दे रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के साथ जो पिछले चुनाव में पार्टियां थीं, वो पार्टियां भी बीजेपी से अलग हो गई हैं और अलग होकर चुनाव लड़ रही हैं, जो बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर रही हैं। वहीं दोस्तों बात करें तो दिल्ली के लोकसभा चुनाव की जो अभी सर्वे आई है, उस सर्वे के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ रही है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, 7 में से बीजेपी मात्र 1 लोकसभा सीट जीत सकती है और 6 की 6 लोकसभा सीटें बीजेपी हार रही है। वहीं आपको बता दें कि जब अरविंद केजरीवाल जेल नहीं गए थे तब दिल्ली की जनता लगभग 4 सीटें बीजेपी को जिताने पर आमद थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जब से जेल भेजा गया है उसके बाद दिल्ली की जनता मोदी सरकार से खासी नाराज बताई जा रही है और खामियाजा बीजेपी को ये उठाना पड़ेगा कि जो 4 सीटें बीजेपी जीत रही थी उनमें से अब मात्र 1 सीट जीत पाएगी, यानी जो 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को दिल्ली की जनता जिता रही है। कुल मिलाकर दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 में से मात्र 1 सीटें ही बीजेपी जीत रही है और 6 सीटें कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के जेल से छूटने के बाद अब राहुल गांधी ने दिल्ली में केजरीवाल के साथ रोड शो करने का प्लान बनाया है, यानी अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ राहुल गांधी अब दिल्ली में वोट मांगेंगे और बीजेपी को देश से उखाड़ फेंकने की बात कहेंगे। वहीं पंजाब की बात करें दोस्तों, तो पंजाब में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल रहा है। पंजाब में 1 भी सीट बीजेपी नहीं जीत रही है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और दोनों ही पार्टियां मिलकर वहां पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में चुनाव प्रचार करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब जाएंगे। पंजाब में भी राहुल गांधी के साथ वो रोड शो करेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। धर्म के नाम पर बीजेपी वोट मांगकर देश की जनता को कन्वर्ट करती थी, वांटती थी और जीत जाती थी, लेकिन इस बार बीजेपी के धर्म पर वोट मांगने का धंधा नहीं चलता हुआ दिख रहा है। जनता ने 3 चरणों में अब तक बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर वोट किया है, धर्म के आधार पर 1 वोट भी नहीं डाला है। इससे बीजेपी की चिंता और बढ़ गई है। वही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 82 लोकसभा सीटें हैं, 82 में से भाजपा को 25 से 26 सीटें मिल सकती।
सकती हैं। वहाँ की सारी सीटें समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन में शामिल है वो जीत रही है और भाजपा उत्तर प्रदेश से भी बुरी तरीके से हार रही है। भाजपा को उम्मीद थी कि उसने राम मंदिर बनवाया है और राम मंदिर का लोकसभा चुनाव से पहले उद्घाटन किया है तो उसको उसका जरूर फायदा मिलेगा, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का कहीं पर जिक्र भी नहीं आया।